हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मंगेश धर्मे, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज प्रिपेयर अ मोशन चार्ट ऑफ गिवन एक्टिविटी यूजिंग सिंबल्स ऑफ थर्बिंग। वेरियस प्रैक्टिकल आउटकम दैट वी अचीव इन टुडेज प्रैक्टिकल आर prepare a motion chart of given activity using standard symbols of hurling. The various program outcomes that we achieved in today's lecture are PO1, PO4, PO5, PO6 and program specific outcome is PSO2. Next one is the hurling. Hurling kya hota hai? It indicates the basic element of movement or fundamental hand motion. मतलब हर्लिंग जो इंडिकेट करता है हैंड मोशन को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे डिफरेंट हर्लिंग सिंबल है, जैसे सर्च के लिए ब्लैक कलर यूज होता है और इसके लिए ये वाला सिंबल यूज होगा, फाइंड के लिए ग्रे कलर यूज होगा, इसके लिए ये सिंबल होगा, सिलेक्ट के लिए लाइट ग्रे यूज होगा और इसके लिए ये सिंबल यूज होगा, ग्रास के लिए लेक रेड यूज होगा, इसके लिए सिंबल होगा। तो दीज आर द वेरियस सिंबल दैट वी आर यूजिंग व्हाइल परफॉर्मिंग द वेरियस ऑपरेशन इन द इंडस्ट्री। डिसअसेंबल है इसके लिए सिंबल, इंस्पेक्ट के लिए ये वाला कलर यूज होगा, इसके लिए सिंबल। मतलब थर्लिंग के वजह से क्या होगा, जो आपका प्रोसेस शीट रहेगा उसमें सिंबल अगर आप यूज करेंगे तो उससे डायरेक्टली वर्कर को पता चल जाएगा कि ऑपरेशन क्या है, वेदर इट इज अ डिसअसेंबल, वेदर इट इज अ इंस्पेक्ट, वेदर इट इज अ यूज, वेदर इट इज अ सर्च, वेदर इट इज अ फाइंड, वेदर इट इज अ सिलेक्ट। नाउ वी सी द मोशन चार्ट यूजिंग थर्लिंग। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज अ ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। तो फर्स्ट वन इज अ ऑपरेशन, इज कौन सा है आपका यहाँ पे जो दिख रहा है जॉब, दैट इज अ मशीनिंग ऑपरेशन। यहाँ पे लिखना पड़ता है आपको ऑपरेटर का नेम, देन पार्ट नेम, देन मेथड प्रेजेंट एंड प्रपोज, देन फिल्म नंबर। आप वीडियो शूटिंग जो ले रहे हैं व्हाइल ड्रॉइंग द मोशन चार्ट, वो कौन से नंबर की ले रहे हैं, ओके। देन ऑपरेटर नंबर, कौन से ऑपरेटर नंबर पे आप ये फिल्म ले रहे हो, और डेट, कौन से डेट को ले रहे हो। देन लेफ्ट हैंड, देन थर्लिंग सिंबल, देन टाइम टेकन बाय द लेफ्ट हैंड, टाइम टेकन बाय द राइट हैंड, एंड देन टोटल टाइम ऑफ द ऑपरेशन। नाउ फर्स्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड में, फर्स्ट जो है ब्रिंग द वर्क पीस फॉर कटिंग एंड होल्ड इन अ कटिंग मशीन। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, ये वर्क पीस जो है वो लाना पड़ेगा कटिंग मशीन पे और उसको कट करना पड़ेगा, होल्ड करके रखना पड़ेगा और उसको कट करके करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो सिंबल दिए हैं मैंने, फर्स्ट वन इज अ होल्डिंग एंड देन वन इज अ लोडिंग, ओके, लोडेड का ये सिंबल है। तो यहाँ पे दोनों सिंबल आए बिकॉज आप होल्ड करके रख रहे हो कटिंग मशीन पे, और सेकंड क्या कर रहे हो, आप कटिंग ऑपरेशन कर रहे हो और उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो कटिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट लोडेड, दैट्स व्हाई ट्रांसपोर्ट लोडेड एंड होल्डिंग सिंबल हियर। सिमिलरली लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से आप दोनों भी एक ही साथ काम कर रहे हो, तो लेफ्ट हैंड के लिए भी 7 सेकंड लगेगा और राइट हैंड के लिए भी 7 सेकंड लगेगा, बिकॉज टोटल ऑपरेशन टाइम कितना है आपका, 7 सेकंड, ओके। इसलिए यहाँ पे टोटल टाइम लिखा है मैंने 7 सेकंड। बाद में कटिंग द एमएस बार, इसके बाद का जो ऑपरेशन होगा वो कौन सा होगा, कटिंग द एमएस बार। तो यहाँ पे क्या रहेंगे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों आपके आइडल पोजीशन में रहेंगे, ओके, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे दिया है बोथ हैंड्स आर आइडल, इसलिए यहाँ पे टाइम आएगा क्या, कुछ नहीं आएगा। देन ट्रांसपोर्ट द एमएस बार फॉर मशीनिंग ऑपरेशन। अभी क्या करना है आपको, ट्रांसपोर्ट लोडेड करना है फॉर मशीनिंग ऑपरेशन, मतलब मैंने कटिंग मशीन पे इसको कट किया और बाद में मैं कहाँ पे लेके जाऊंगा, उसको लेफ्ट पे लेके जाऊंगा। मतलब आप दोनों हैंड से क्या कर रहे हो, बार को उठा रहे हो और कहाँ पे लेके जा रहे हो, लेफ्ट पे लेके जा रहे हो, दैट्स व्हाई हियर सिंबल ट्रांसपोर्ट लोडेड। इसके लिए लेफ्ट हैंड को लग रहा है 8 सेकंड, राइट हैंड को 8 सेकंड लग रहा है, लेकिन ऑपरेशन टाइम कितना है, 8 सेकंड, दोनों भी हैंड आपके सेम समय पे काम कर रहे हैं, दैट्स व्हाई टोटल ऑपरेशन टाइम इज 8 सेकंड। नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन इज लोड द वर्क पीस ऑन लेथ एंड टूल इन टूल पोज। मतलब इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो आप, पोजिशन कर रहे हो वर्क पीस इन द चक एंड टूल इन अ टूल पोज, दैट्स व्हाई दिस पोजिशन सिंबल इज हियर। इसके लिए जो समय लग रहा है वो कितना है, लेफ्ट हैंड को 22.695 सेकंड एंड राइट हैंड को भी कितना लग रहा है, 22.695 सेकंड।
both hands are working simultaneously. Okay, that's why total operation time is also 22.695 seconds. Now next one is अभी क्या करना है आपको, फेसिंग करना है, देन टर्निंग करना है, स्टेप टर्निंग करना है एंड देन चैम्फरिंग करना है. तो जब फेसिंग करेंगे तो आपको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, देन पोजीशन भी करना पड़ेगा टूल को, देन उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा और आपको ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई दिस सिंबल इज हियर. ओके, तो ये साइमल्टेनियसली वर्क हो रहा है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का, तो उसका टाइम जो है यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है, यहाँ पे नोट डाउन किया है एंड दिस इज द ऑपरेशन टाइम फॉर दिस प्रोसेस. देन अनलोडिंग एंड लोडिंग डिले. अभी क्या हो रहा है, मैं अनलोड करूंगा इसको, मैं मूव करूंगा और यहां से क्या करूंगा इसको फिक्स करूंगा ऑन द चक. तो अनलोडिंग और अनलोडिंग करते वक्त क्या होगा, ऑपरेशन कुछ भी नहीं हो रहा है वहां पे, दैट्स व्हाई दिस इज द सिंबल ऑफ अनलोडिंग डिले. और मैं डिसअसेंबल कर रहा हूं, दैट्स व्हाई दिस इज द सिंबल ऑफ डिसअसेंबल और अनलोडिंग. नाउ नेक्स्ट अगेन फेसिंग टर्निंग टेपर टर्निंग एंड नर्लिंग. तो अभी मैं इसको मूव करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, फेसिंग होगा, देन टर्निंग होगा, देन टेपर टर्निंग होगा और देन नर्लिंग होगा. मतलब आपको इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, देन पोजीशन करना पड़ेगा टूल और वर्कपीस को और देन होल्ड करके रखना पड़ेगा. तो ये दोनों हैंड के लिए जो समय लग रहा है दैट इज शोन हियर. तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द ऑपरेशन टाइम हियर. ओके, देन अनलोडिंग. अनलोडिंग मतलब क्या करना पड़ेगा, मुझे अभी ये पूरे जॉब को लेस से निकालना पड़ेगा, दैट इज अनलोडिंग प्रोसेस. और ये मैंने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया है, दैट इज अ टोटल मशीनिंग टाइम 24.34 मिनट. रिजल्ट. इन दिस प्रैक्टिकल वी प्रिपेयर मोशन चार्ट ऑफ गिवन एक्टिविटी यूजिंग स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ थर्लिंग. Conclusion: Identify various symbols and thirlings for given motion. Apply work study technique for manufacturing of the given job. The motion chart using thirlings approach is used to analyze different machining operations. The various program outcomes that we achieved in today's lecture are PO1, PO4, PO5, PO6, PO7, and program specific outcome is a PSO2. In next practical, we see practical on supply chain. Thanks for any query, contact to this number.